हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू आर डेली गार्डन ब्लॉग सीरीज। देखिए, आज मैं थोड़ा बात करूँगा तुलसी से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से टेप अलग करते, देखिए कितने साइड ब्रांचेस निकल गए हैं और निकलते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा बुशी होते जाता है प्लांट। तुलसी जी हमारी जल्दी जल्दी बुशी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। बाकी हमारे ये लक्ष्मी कमल जो लीव्स हो गए हैं या साइड ब्रांचेस हो गए हैं, देखिए ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और हमारा ये टमाटो प्लांट, इसकी अपडेट भी अच्छी है, फ्लावर्स आ रहे हैं। और मैं हार्वेस्ट ले चुका हूँ उससे 2 या 3 बार, आपको मैं अपडेट्स दे चुका हूँ पिछले गार्डन ब्लॉग में, आप ज़रूर वो देखें, आपको टिप्स और ट्यूटोरियल्स और सारे मिलेंगे। और हमारा ये छोटा सा जेड जंगल देखिए कितना प्यारा है। ये सारी छोटी छोटी जो प्रूनिंग करके कटिंग निकलती हैं, मैं उसमें प्लांट करता हूँ। और हमारा ये लक्ष्मी कमल देखिए कितने प्यारे और सारे कटिंग से उगते जा रहे हैं। बाकी हमारी ये प्रूनिंग, ये पुदीना की कटिंग देखिए कितनी अच्छी सही चली है, देखिए कितने सारे पुदीना उग गए हैं। और हमारा ये पेरिविंकल या विनका या सदाबहार प्लांट देखिए कितने सारे फ्लावरिंग कर रहा है। ये इधर इधर ये देखिए, इसमें मैरीगोल्ड्स उगे हुए हैं बहुत सारे, और ये कॉस्मोस भी उगा हुआ है। बाकी इधर हमारा ये जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी हमने बहुत पहले, तो ये भी बहुत सही से चला है। इसकी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, देखिए कितने प्यारे। इसको मैं प्रून करते रह रहा हूँ कि मेरे को उसको बंजा में कन्वर्ट करना है, तो ये भी थोड़ा घना होते जा रहा है। बाकी हमारा कड़ी पत्ता था ही जो मैंने आपको राइट वे बताया है, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने मिले। और हमारे मैरीगोल्ड्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, देखिए कितने सारे मैरीगोल्ड्स हैं, ये गार्डन बन रहा है पूरा मैरीगोल्ड का। बाकी इधर हमारा देखिए ये रोज़ फ्लावर ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि इसको हर 15 से 20 दिन में खाद देता रहूँ और छोटे छोटे सॉफ्ट प्रूनिंग करता रहूँ, और इसकी लीव्स को थोड़ा स्प्रे कर देता हूँ। देखिए ड्रॉपलेट्स के निशान दिख रहे होंगे, इससे क्या होता है रोज़ को ऐसे शावरिंग बहुत पसंद होती है, तो इससे ग्रो बहुत अच्छे से करता है। गुड़ाई भी करता रहता हूँ मैं थोड़े दिन में, और खाद दे देता हूँ। और मेरे घर इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी चाहिए रहता है, तो यूज़ चाय पत्ती जो होती है मैं उसकी खाद भी देता रहता हूँ इसे, तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। बाकी इधर देखिए हमारे क्यूकम्बर और हमारे बैंगन के प्लांट उगे हुए हैं, और हमारे मटर के भी उग गए हैं, और जेड वाली कटिंग भी लग गई सारी। बाकी हमारा ये इधर का जेड प्लांट का बोंसाई है, ये देखिए इसके रिजल्ट भी कितने अच्छे देखने मिल रहे हैं। इसकी भी मैं प्रूनिंग करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि इसकी न्यू ग्रोथ आती रहे। ये देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं। बाकी हमारा पुदीना देखिए कितना सारा ग्रो हो गया है, अभी मैंने हार्वेस्ट ली थी फिर से ग्रो हो गया है। ये हमारा देखिए इधर मिर्ची के प्लांट के अपडेट्स भी अच्छे हैं, और यहाँ सारे टोमेटोज भी बहुत सारी फ्लावरिंग कर रहे हैं, यहाँ से मुझे हार्वेस्ट मिल चुका है। हमारे भिंडी के अपडेट्स ये हैं कि देखिए न्यू लीव्स आ गई दोनों में, तो सही से ग्रो कर रहे हैं। और हमारे मैरीगोल्ड ये वाला छोटू सा, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और हमारा शमी की तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा सही जा रही है, देखिए कितने सारे साइड ब्रांचेस और बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ये मेरे रिजल्ट है जब मैंने स्प्रिंग स्टार्ट होने के पहले ही इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, उस कारण से ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग आप अपने प्लांट्स की ज़रूर करें, मैंने करी पत्ता प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग की थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिले। जब टेम्परेचर लो रहे तब स्प्रिंग चेंज होता है, जब ज़रूर करें। बाकी ये देखिए हमारा जेड इधर, ये कटिंग भी चल गई है, बहुत अच्छे से बोंसाई में कन्वर्ट हो गए। लक्ष्मी कमल तो बहुत ब्यूटीफुल दिख ही रहे हैं। हमारा एक क्यूकम्बर सीडलिंग, ये मैंने 15 इंचेस के ब्रो बैग में लगाया हुआ है, ग्रो बैग यूज्ड बोरी से बनाया मैंने, इसमें लग गया है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हमें। ये छोटे छोटे सीडलिंग्स जो हैं ये हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के हैं, जो क्रिसमस चिलीज होती हैं वो वाले प्लांट हैं, तो इसके भी मैं आपको रिजल्ट्स बताता रहूँगा कि कैसे ग्रो करते हैं कहाँ। बाकी हमारे कुलियस और विद्या प्लांट, और देखिए मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है, और ये वॉन्ड्रिंग ज्यू है जो हैंगिंग प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए कोलिस भी इसमें सीडलिंग्स हैं, और मिर्ची में बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं।
ये केलांचो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देखिए फ्लावरिंग हुई है, सुबह के समय फ्लावरिंग करता है। बाकी ये मनी प्लांट की कटिंग तो चल गई है हमारी। देखिए पत्ते ग्रीन है, इसका मतलब देखिए न्यू ग्रोथ भी आने लगी है, तो रूट्स पकड़ ली। आपको इसी तरह किसी भी तरह की गार्डनिंग और टेरेस गार्डन, वेजिटेबल गार्डन उगाने के लिए टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हम मुझे ग्रो करने के लिए आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको नए नए टिप्स और गिव अवेज करते रहें। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी गार्डनिंग।